दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कोरोना महामारी हो या अन्य बीमारी, हमेशा से डॉक्टरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और रही बात कोरोना काल की, हम सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की और साथ में लोगों का मनोरंजन भी किया। लेकिन इसी बीच इतना करने के बाद भी डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। इसी से परेशान होकर आज दिल्ली के NDMC मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा कि अगर आज के अवकाश के बाद भी उनकी बात नहीं मानी गई, तो वह 22 मार्च को अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। डॉक्टरों ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बीते कई महीनों से उनके वेतन और पिछला एरियर नहीं मिला है। ऐसे में जब तक डॉक्टरों और DNBA ट्रेनियों की सैलरी और एरियर नहीं मिलता, उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी।